मैं केजरीवाल उनको पाने बैठक के अंदर ये पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से सारे जिलाध्यक्ष आए हैं और प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर रहे। सबका एक ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो जाति हो रही है, इसको रोका जाएगा और हर गली हर गली मोहल्ले में इस लड़ाई को लड़ा जाए। इंसाफ की लड़ाई थी, इंसानियत की लड़ाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस फैसले के साथ मैदान में उतरी है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी बहनों के साथ, जो बेटियों के साथ, जो नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इन सबकी आवाज़ को उठाएगी, बुलंद करेगी और मुख्य विपक्षी दल का रोल अदा करेगी। आज जो काम सपा को करना चाहिए था, बसपा को करना चाहिए था, कांग्रेस को करना, वो रोल नहीं अदा करेगी। सबको सीबीआई का खौफ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी और हमें किसी का खौफ नहीं है। हम लोग उत्तर प्रदेश की महान जनता की चरणों की धूप को अपने मस्तक पर लगाकर उत्तर प्रदेश के आवाम की, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, उत्तर प्रदेश के किसानों की हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। और हम लोग वो लोग चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, जिनके औलाद नहीं है, जिनकी पत्नी नहीं है, जो औलाद के दर्द को नहीं समझते, जो पत्नी के दर्द को नहीं समझते, जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है पब्लिक पे, उसको नहीं समझते, हम उस जुल्म को, ये आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनको जुल्म करने से रोकेंगे। और जो बीजेपी के सेंगर एमएलए हैं और ऐसे ही जितने हजारों लोग जो बीजेपी के अंदर हैं, जो बहनों के, जो हमारी नारियों के दुश्मन हैं, उनको बेनकाब करेंगे।